लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रोन वॉर की शुरुआत हो चुकी है। लगातार घने जंगलों, पहाड़ों पर मौजूद गुफाओं और खतरनाक पहाड़ी रास्तों के ऊपर ड्रोन की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। जब ड्रोन से तस्वीरें और वीडियो लेकर आतंकियों की मौजूदगी का क्लियर सबूत मिलता है, तब भारतीय सेना के जवान उनको तलाशने और खत्म करने का काम शुरू कर देते हैं। और इसके लिए भारतीय सेना में आतंकियों का नया काल शामिल हुआ है। भारत सहित दुनिया के 11 देशों में 600 राइफलों ने अपनी फायर पावर से धाक जमा दी है। इससे निकली गोली का निशाना सटीक होता है। हर मिनट ये 650 से ज्यादा गोलियां फायर करती है और निशाने पर गोलियां चलाने की इसकी क्षमता 100% है, यानी गोली चलेगी तो सीधे टारगेट पर लगेगी। और ये जो जवान आप देख रहे हैं, इनके पास पूरी तरह से अत्याधुनिक नाइट विजन डिवाइसेस भी हैं, ताकि दिन के साथ साथ रात के समय भी और फॉग और अंधेरे के समय भी ये पूरी तरह से आतंकी गतिविधि पर और पाकिस्तान से हो रही घुसपैठ पर नजर बनाकर रख सकें। ऐसे में लगातार जो सुरक्षा बलों को इनपुट्स मिल रहे हैं वो यही है कि आतंकी कोशिश कर रहे हैं कि यहां से घुसपैठ की जा सके। 50 से 70 आतंकी जो लॉन्च पैड पर पाकिस्तान में बैठे हैं वो लगातार घुसपैठ की कोशिशों में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 600 की गोलियों ने आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना को बाहुबली बना दिया है। कुछ समय पहले से अगर तुलना करें तो करगिल युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों के हाथ में इंसास राइफलें थी, लेकिन अब भारतीय सेना अमेरिकन 600 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकन 600 जैसी घातक असॉल्ट राइफल लिए भारतीय सैनिकों का सामना करना पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। 600 राइफल ने LOC पर भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ा दिया है। बॉर्डर पर यह ऐसा अजय हथियार है जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। भारतीय सेना आमतौर पर कश्मीर में AK-47 का इस्तेमाल करती है, पर 600 राइफल ज्यादा रेंज की वजह से ज्यादा ताकतवर है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि 600 राइफल कभी जाम नहीं होती। 600 राइफल खतरनाक और लेटेस्ट तकनीक से बनी है। इसका साइज छोटा है पर हमला गंभीर होता है। दुनिया की बेहतरीन राइफल में से गिनी जाती है। इसकी 4 बड़ी विशेषताएं हैं। एक, इसका रेट ऑफ फायर जो है वो बहुत ज़्यादा है, 600 से 650 राउंड पर मिनट। दूसरी, इसकी रेंज जो है तकरीबन 550 मीटर है बनस्पत हमारी राइफल के, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। इसका कैलिबर ज़्यादा अच्छा है और ये ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये खूबियाँ जो है। और इसमें ये ज़्यादा रिलायबल है, हमारे वाले में एन मौके पर स्टॉपेजेस आ जाती हैं, इसमें किसी प्रकार की स्टॉपेज नहीं आती। 600 राइफल की गोलियां घातक होती हैं। सेना की पुरानी इंसास राइफलों के मुकाबले 600 में बड़ी गोलियां लगती हैं, जिससे इसकी रेंज और मारने की ताकत दोनों बढ़ जाती हैं। यानी किसी आतंकवादी को अगर इसकी एक गोली भी लग जाए तो उसका काम तमाम हो जाता है। करीबी युद्ध में 600 से जीतना नामुमकिन है और आतंकियों को दूर से खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने स्नाइपर राइफलें तैनात की हैं। ये 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से किसी टारगेट को उड़ा सकती हैं। इसके लिए भारत के जवान एक खास तरह का सूट पहनते हैं जो इन्हें जंगल में लगभग अदृश्य कर देता है। घने जंगल, पथरीले पहाड़ और कई सारी ऐसी नेचुरल केव, ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को रोज दिन 2-4 होना पड़ता है जिनसे, और उन्हीं का फायदा उठाकर आतंकी लगातार यहां पर अपनी मॉडस ऑपरेंडी बनाकर हमले करते रहते हैं। पर सुरक्षा बलों ने अब पूरी तरह से इस पूरे बॉर्डर को यहां पर अलर्ट मोड पर रखा है और इसीलिए सरप्राइज एलिमेंट्स के लिए कई सारी जगह पर जो स्नाइपर्स हैं वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं बॉर्डर्स पर। और इसके साथ साथ आपको बता दें, एलिमेंट के तौर पर अलग अलग जगहों पर इन स्नाइपर्स की मदद से यहां पर एम्बुश जो है वो यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगाए जाते हैं। कई जगह ऐसी पहाड़ियां हैं और कई जगह ऐसे यहां पर जो घने जंगल हैं वहां पर ये स्नाइपर जो है वो 2400 घंटे यहां पर तैनात रहते हैं दिन और रात। इनके पास नाइट विजन डिवाइसेस रहते हैं और इसके अलावा साफ तौर पर जो कई सारे अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो इनके पास हैं, ताकि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अगर यहां से घुसपैठ करने की कोशिश भी करें तो उन्हें उसी समय यहां पर ढेर कर दिया जाए। स्नाइपर का सबसे बड़ा फायदा आतंकियों के खिलाफ है। इसकी रेंज आतंकियों की गन से ज्यादा है, इसलिए इसकी मदद से आतंकियों पर पहला और घातक हमला करने का मौका मिल जाता है। लंबी दूरी से फायरिंग करने वाले स्नाइपर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंक कंट्रोल करने वाला सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। यह निशानेबाज कई बार तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर मौजूद आतंकी को भी निशाना बना लेते हैं। दावा है
कि भारतीय सेना की नई राइफलों के डर से आतंकियों का लॉन्च पैड एलओसी से दूर बनाया गया है। सिक्सॉर और स्नाइपर राइफलों ने आतंकियों के सफाई मिशन का नया चैप्टर शुरू कर दिया है, जिसमें जवानों को टेररिस्ट के करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी दूर से काम तमाम हो जाता है। हथियारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है आतंक के खिलाफ भारतीय सेना की स्ट्रेटजी। जम्मू में 90 के दशक का आतंकवाद लौटा तो सेना ने पैरा कमांडो से लेकर ड्रोन और यहां तक कि सैटेलाइट्स भी तैनात कर दिए। 24 घंटे निगरानी हो रही है, जमीन पर कमांडो आगे बढ़ रहे हैं और आतंकियों का टोटल सफाया करीब दिखाई दे रहा है। पीर पंजाल का पहाड़ी जंगल कश्मीर को जम्मू से अलग करता है। देवदार के पेड़ों से भरे इस जंगल में कई पुरानी प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं, जो 90 के दशक में भी आतंकियों के छिपने का बड़ा अड्डा थी। पर अब आतंकियों पर नजर रखने के लिए आसमान से लेकर पहाड़ों तक डिजिटल आंखें तैनात हैं। पर सीमा पर ड्रोन और हथियार के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय सेना की ऑल आउट वाली रणनीति। जम्मू में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सेना ने कई लेवल पर काम किया है। कहीं ड्रोन तैनात हैं, कुछ जगहों पर सैनिकों की लगातार गश्त होती है और ज्यादा घुसपैठ वाली जगहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे जितनी साफ तस्वीर दिन में दिखाते हैं, वैसा ही क्लियर वीडियो रात में भी रिकॉर्ड करते हैं। पूरे एलसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक हाई एंड इक्विपमेंट्स और हाई एंड सर्विलेंस कैमरा जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। पूरे फेंस पर यहाँ पर कैमरा जो है वो लगाए गए हैं, ताकि किसी भी जगह पर आतंकी और घुसपैठ की कोशिश करे तो वो उसी समय यहाँ पर उस पर निगरानी कर एक्शन लिया जा सके और उसे ढेर किया जा सके। इस पूरे फेंस पे स्ट्रेटेजिकली कई ऐसी जगहें हैं जहां पर फेंस पर ये कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और ये पूरी तरह से हाई डेफिनेशन कैमरा है और इसमें थर्मल इमेजिंग भी है, यानी कि रात के समय भी ये कैमरा पूरी तरह से ऑपरेट करते हैं। जम्मू के इलाके में घना जंगल होने की वजह से आतंकियों को नेचुरल कवर मिल जाता है। हालांकि जंगल वॉरफेयर में भारतीय सेना की गिनती दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में होती है। भारतीय जवान सीमा पार से आने वाले आतंकी भारतीय जवानों की गोलियों और फौलाद से भी ज्यादा मजबूत इरादों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, और ये बात जम्मू में एक बार फिर साबित होने वाली है। जम्मू के इलाके में घना जंगल, प्राकृतिक गुफाएं और नए हथियारों की वजह से शुरुआती हमलों में आतंकियों को लीड मिली। पर हथियार चाहे कितना भी खतरनाक हो, पाकिस्तानी आतंकवादी चाहे कितनी ही ट्रेनिंग लेकर क्यों ना आए हो, भारतीय सेना के इलाके में टेररिस्ट का ज्यादा वक्त तक टिकना नामुमकिन है, और नई रणनीति की वजह से आतंक के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बीते कुछ दिनों में आतंकियों ने स्टील कोर वाली बुलेट का इस्तेमाल किया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर देती हैं। इसके जवाब में सेना ने ऐसी गाड़ी तैनात की जिस पर राइफल की गोलियों का कोई असर नहीं होता। पिछले 2 सालों में ये देखा गया है कि पाकिस्तानी आतंकी जो हमले कर रहे हैं उसमें स्टील कोटेड बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेद रही है। ऐसे में सुरक्षा बल अब अपने बेड़े में लगातार ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे व्हीकल शामिल कर रहे हैं जो कि स्टील कोटेड बुलेट्स को भी मात दे सकते हैं, उससे भी प्रूफ है, ताकि किसी भी तरह का हमला जो पाकिस्तानी आतंकी करे उसमें वो कभी भी कामयाब ना हो। इस बॉडी का बिल्ट आप दे सकते हैं, ये एक ऑल टेरेन व्हीकल है, लाइट आर्म व्हीकल इसे कहा जाता है, महिंद्रा और इसका नाम है। और पिछले कुछ महीनों में कई सारे जो ये इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो इंडक्ट यहां पर की गई हैं भारतीय सेना द्वारा, और आप देखिए किस तरह से इसमें जवान बैठते हैं। और उसके बाद इस गाड़ी की खासियत यह है कि इतना बिल्ट इसका है जो कि पूरी तरह से यहां पर 6 से 8 जवान जो है वो इसमें बैठते हैं, और कॉन्वॉय के दौरान किसी भी तरह की मूवमेंट जो है आसानी से हो सके। जम्मू कश्मीर में घुसे विदेशी आतंकी आजकल सुरक्षा बलों पर हमला करके भाग जाते हैं, पर अब ड्रोन की मदद से भारतीय सुरक्षा बल इनके अड्डों का पता लगाएंगे और घातक राइफलों की मदद से इनको ठिकाने लगा देंगे। यानी ड्रोन युद्ध शुरू होने के बाद इन आतंकियों के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। आतंकियों का अंत करने के लिए सेना ने उनसे 4 कदम आगे रहने की प्लानिंग की है। ड्रोन और नए हथियार इसी रणनीति की शुरुआत हैं। इस समय जम्मू में जो 55 विदेशी आतंकी होने का दावा किया जा रहा है, यकीन मानिए उन सभी आतंकियों की कब्र सेना का ड्रोन ही खोदेगा।
जीनी।